हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल। ALW के तरफ से जॉब का रिक्वायरमेंट लेके आ गए हो। बेसिकली तुम्हारा कंस्ट्रक्शंस कंपनी है और यहाँ पे तुम्हारा जॉब का रिक्वायरमेंट आ रहा है। बेसिकली यहाँ पे इन लोगों का बहुत सारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो। प्रोजेक्ट के बारे में देखेंगे तब तुम्हारा मुंबई, देन तुम्हारा चेन्नई, पुणे, हैदराबाद, ऐसा करके अलग अलग लोकेशंस वाइज यहाँ पे इन लोगों का बेसिकली प्रोजेक्ट आ रहा है। सो उसी का रिगार्डिंग बेसिकली जॉब का रिक्वायरमेंट आ रहा है, जिसमें तुम्हारा ऑलमोस्ट 2500 प्लस वैकेंसीज निकल के आ रहे हैं, जिसमें तुम्हारा फ्रेशर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज है, ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर द फ्रेशर्स कैंडिडेट। जिन लोग फ्रेशर्स वाले हैं तो वीडियो छोड़ के मत जाओ, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली फ्रेशर्स के लिए जॉब का रिक्वायरमेंट आ रहा है और उसके साथ एक्सपीरियंस होल्डर के लिए भी जॉब का रिक्वायरमेंट आ रहा है। जिसके पास एक्सपीरियंस है उन लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं, इंजीनियरिंग डिग्री जिन लोग कंप्लीट किए उन लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसा तुमको बेसिकली अप्लाई करना पड़ेगा, CTC रेंज कितना आ सकता है, ओके सारे डिटेल्स इन दिस वीडियो में कवर करेंगे। बट उसके पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, पहले से लाइक करवा देना, क्योंकि इतना अच्छा जॉब का वैकेंसीज तुम लोग को लिए शेयर कर रहे हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशंस को अपडेटेड पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। जिन लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में कनेक्ट नहीं हो, डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप में भी कनेक्ट हो सकते हो, जिसमें तुम्हारा बहुत सारी जॉब का वैकेंसीज दिखाई देगा। बट फ्रेंड फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी पैसा देने का जरूरत नहीं है, लिंक डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थोड़ा सा डिटेल्स में इन दिस वीडियो में शेयर करने वाले हैं, चलो लेट्स स्टार्ट। करने से पहले एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, यूट्यूब चैनल जॉब को फॉर यू। जिन लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, यहाँ पे जो रेड कलर का दिखाई देगा यहाँ पे जाके क्लिक कर देना, इसमें क्या होगा तुम्हारा सब्सक्राइब हो जाएगा। आपका दैट यहाँ पे जो बेल आइकन है यहाँ पे जाके क्लिक करके उसके बाद तुम्हारा जो ऑल है यहाँ पे जाके क्लिक कर देना। इसमें क्या होगा तुम्हारा सारे नोटिफिकेशन तुमको दिखाई देगा, जितने सारे मैं वीडियो अपलोड करेंगे सारे नोटिफिकेशन तुमको दिखाई देगा। ओके, पहला जो बात है बेसिकली ALW का बेसिकली करियर सेक्शंस में बहुत सारी जॉब का रिक्वायरमेंट आ रहा है, जिसमें देख सकते हो अलग अलग पोजीशंस वाइज यहाँ पे वैकेंसीज है। प्लानिंग के लिए जॉब का रिक्वायरमेंट है, ओके ऐसा करके बहुत सारे अलग अलग लोकेशंस के लिए भी जॉब का रिक्वायरमेंट है। और इसमें तुम्हारा बेसिकली देख सकते हो मैनेजर लेवल का जॉब का अपॉर्चुनिटीज है, जिसमें तुम्हारा 10 ईयर्स तुम्हारे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देख सकते हो इंजीनियर QA QC के लिए भी जॉब का रिक्वायरमेंट है, सीनियर इंजीनियर QA QC के लिए भी जॉब का रिक्वायरमेंट है, सीनियर मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट के लिए जॉब का रिक्वायरमेंट है, मैनेजर आर्किटेक्चरल, देन तुम्हारा सीनियर मैनेजर प्रोजेक्ट, देन तुम्हारा मैनेजर लीगल, बीम लीड के लिए भी जॉब का अपॉर्चुनिटीज है, साइड इंजीनियर के लिए भी जॉब का रिक्वायरमेंट आ रहा है। ओके, सो ऐसा करके बहुत सारी जॉब का रिक्वायरमेंट आ रहा है। तो इसमें बेसिकली फ्रेशर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, एज वेल एज एक्सपीरियंस होल्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट तुमको CV भेजना पड़ेगा, दिस इज़ द मेल आईडी, दिस मेल आईडी तुमको बेसिकली कॉपी करना पड़ेगा और उसके बाद तुमको पेस्ट करके तुमको बेसिकली CV भेजना पड़ेगा। CV के साथ कवर लेटर देना, कवर लेटर का सैम्पल मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो CV के साथ कवर लेटर देने से क्या होता है, इंप्रेशंस अच्छा होता है, शॉर्टलिस्ट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। सो कवर लेटर का सैम्पल मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो बेसिकली एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स तुम लोगों के लिए बेसिकली मैं शो कर रही हूँ, बेसिकली ये जो एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स मेरे को दिखाई दिया था लिंक्डइन आईडी में, सो HR पब्लिश्ड किया है फ्रेंड, सो मेरे को दिखाई दिया तो मैं वीडियो बना दिया, जिसमें तुम्हारा देख सकते हो 50 टैलेंटेड फ्रेश कैंडिडेट के लिए जॉब का रिक्वायरमेंट आ रहा है, मोटिवेटेड फ्रेश कैंडिडेट के लिए जॉब का रिक्वायरमेंट है, जिसमें देख सकते हो बेंगलोर, पुणे, मुंबई, चेन्नई एंड हैदराबाद लोकेशंस के लिए जॉब का रिक्वायरमेंट आ रहा है, जिसमें देख सकते हो डेजिग्नेशंस जो है बेसिकली यंग इंजीनियर करके। ओके, नेक्स्ट जो है तुम्हारा डिपार्टमेंट देखेंगे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वाले के लिए जॉब का अपॉर्चुनिटीज है, 50-50 करके जॉब का वैकेंसी आ रहा है, जिसमें तुम्हारा क्वालिफिकेशंस बोल रहे बेसिकली BE वाले। ओके, फ्रेशर्स के लिए जॉब का रिक्वायरमेंट है, जिन लोग फ्रेशर्स वाले हैं यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नाउ आते हैं हाउ टू अप्लाई। अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हो दिस इज़ द मेल आईडी, दिस मेल आईडी में तुमको बेसिकली कॉपी करना पड़ेगा। ओके, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा उसके बारे में बता देना चाहती हूँ, बट उसके पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, बेसिकली यहाँ पे बी करके मेंशन किए, बट फ्रेंड डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इंजीनियरिंग डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे मेंशन है बट ऐसा नहीं है, ओनली फॉर बी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा फ्रेशर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इंजीनियरिंग डिग्री फ्रेशर्स वाले अप्लाई कर सकते, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नाउ आते हाउ टू अप्लाई। अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट तुमको मेल आईडी जो प्रोवाइड किए, दिस मेल आईडी तुमको पहले क्या करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा उसके बारे में बता देना चाहते हो। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे 2 करके जो मेंशन है, इसमें जाके तुमको पेस्ट करना पड़ेगा।
ओके, जो ईमेल आईडी ऑलरेडी तुम कॉपी कर चुके हो उसी ईमेल आईडी तुमको बेसिकली टू सेक्शंस में तुमको पेस्ट करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे तुमको मेंशन करना पड़ेगा सब्जेक्ट लाइन। ओके, विदाउट सब्जेक्ट लाइन तुम सीवी भेजोगी तो इम्प्रेशंस अच्छा नहीं होगा, तो आप शॉर्टलिस्ट नहीं करेगा। ओके, सो सब्जेक्ट लाइन तुमको मेंशन करना पड़ेगा। सब्जेक्ट लाइन में क्या मेंशन करना पड़ेगा? रिगार्डिंग वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ सिविल है तो सिविल, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल, जिसका जो ट्रेड है यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो जितने सारे पोर्शंस है सारे पोर्शंस तुमको प्रॉपर करके बेसिकली राइट डाउन करना पड़ेगा। डियर सर और मैम, प्लीज़ फाइंड अटैच द सीवी ऑफ सेल्फ आई हैड डन, और इफ़ यू आर पार्सिंग स्टूडेंट सो डेफिनेटली तुम अप्लाई कर सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। पार्सिंग स्टूडेंट करके मेंशन कर देना। ओके, और कंप्लीटेड स्टूडेंट जिन लोग हैं उन लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो आई हैड डन माई बीटेक और डिप्लोमा और बीई, जिसका जो क्वालिफिकेशन है मेंशन करना पड़ेगा। और पार्सिंग स्टूडेंट है तो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा तुम पार्सिंग स्टूडेंट हो ऐसा करके। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे तुम्हारा फ्रॉम करके जो मेंशन है इसमें तुम्हारा कॉलेज का नेम मेंशन करना पड़ेगा और व्हिच ईयर में तुम पास आउट हो चुके हो तुमको मेंशन करना पड़ेगा। 16, 17, 18, 19, 20, 21 जो भी है मेंशन करना पड़ेगा। ऐसा करके सारे डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करके तुमको नेक्स्ट जो पॉइंट है योर नेम, यहाँ पे तुम्हारा जो नेम है यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हारा मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। मोबाइल नंबर 10 डिजिट होता है, बट 10 डिजिट्स के पहले मोबाइल नंबर डालने से पहले 91 करके तुमको ऑब्वियसली मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि 91 हमारा इंडिया कंट्री कोड है इसीलिए। सो 91 डाल के उसके बाद तुम्हारा 10 डिजिट का मोबाइल नंबर तुमको डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ऐड फाइल। ओके, सो अटैच फाइल, दिस अटैच फाइल में जाके तुम जब क्लिक करोगी तुमको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली सीवी प्लस कवर लेटर। ओके, दोनों एक साथ तुमको डालना पड़ेगा। कवर लेटर का सैम्पल हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, सो कवर लेटर का सैम्पल डाउनलोड कर लेना। उसके बाद सीवी के साथ कवर लेटर अटैच करके तुमको बेसिकली सेंड बॉटम जो है यहाँ पे सेंड बॉटम में जाके तुमको क्लिक करके तुमको सेंड करना पड़ेगा। ऐसा ही प्रोसीड्योर है, वेरी सिंपल। सो जैसा मैं बोल रही हूँ ऐसा ही तुमको स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है बेसिकली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को बेसिकली इंटरव्यू होगा। सो इंटरव्यू तुम्हारा ऑफलाइन होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा, तभी भी ऑनलाइन भी हो सकता है बट ऑफलाइन होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। तो डायरेक्ट तुम्हारा इंटरव्यू होगा। ओके, सो इंटरव्यू के मार्फत तुम्हारा सिलेक्शंस होगा। ओके, पहले तुमको शॉर्टलिस्ट करेगा, उसके बाद तुम्हारा इंटरव्यू होगा। और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को बेसिकली ईमेल के मार्फत और तुम्हारा जो मोबाइल नंबर है उसी मोबाइल नंबर पे कॉल करके भी तुमको बोल सकते हैं और तुमको ईमेल के मार्फत भी बता सकते हैं इफ़ यू आर शॉर्टलिस्टेड ऐसा करके। नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे बेसिकली CTC, सो CTC रेंज के बारे में बता देना चाहती हूँ। एज ए फ्रेशर्स टाइम तुम्हारा डिप्लोमा है तो उसमें तुम्हारा मिनिमम 3.5 से लेके मैक्सिमम अप टू 4 LPA तक तुम्हारा सैलरी रेंज जा सकते हैं। इंजीनियरिंग डिग्री जिन लोग कंप्लीट किया उन लोगों के लिए बेसिकली 4 से लेके मैक्सिमम अप टू 5 LPA तक सैलरी रेंज जा सकते हैं। और एक्सपीरियंस होल्डर है तो उसमें तुम्हारा 10 LPA तक सैलरी रेंज जा सकते हैं। सो मिनिमम 3.5 से लेके मैक्सिमम अप टू 10 LPA तक सैलरी रेंज जा सकते हैं, डिपेंड अपॉन योर परफॉर्मेंस। जैसा परफॉर्मेंस होगा उसके ऊपर डिपेंड करके और भी ज़्यादा हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा तुम्हारा परफॉर्मेंस के ऊपर। और इंडिया के अंदर एनी स्टेट अप्लाई कर सकते हैं, सो ऑल इंडिया कैन एलिजिबल, सो दिक्कत वाली बात नहीं है, वेरी सिंपल जैसा मैं बता चुकी हूँ। ऐसा ही तुमको स्टेप बेसिकली फॉलो करना पड़ेगा। ओके, सो आई होप मैं सारे डिटेल्स कवर कर चुकी हूँ। सो इसमें भी कुछ डाउट है सो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं हमेशा रिप्लाई करने के लिए कोशिश करूँगी। और वीडियो पसंद लगा तो पहले से लाइक कर देना, और ऐसा नया नया जॉब का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ओके, और जिन लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में कनेक्ट नहीं हो डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप में भी कनेक्ट हो सकते हो, जिसमें तुम्हारा बहुत सारी जॉब का वैकेंसीज दिखाई देगा बट फ्रेंड फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी पैसा देने का जरूरत नहीं है, लिंक डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फिर से आएंगे एक नया जॉब अपॉर्चुनिटी से लेके। सो बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।